हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिसको आप मिस करना बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। बहुत ही कमाल के फ़ोन्स मैं रिकमेंड करने वाला हूं। एंड गाइस, यहां पे आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा, 4G भी देखने को मिलेगा वैसे। एंड गाइस, गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, चाहे फ्री फायर हो या BGMI। सो गाइस, ये कौन है फ़ोन सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पे आता है इन्फिनिक्स का Note 12i। यहाँ पे आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 देखने को मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90Hz डिस्प्ले नहीं है, 60Hz का ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे डुअल स्पीकर है, फास्ट चार्जिंग 33W का दिया गया है, फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही मुझे सही पैकेज लगा। एंड सबसे अच्छी बात ये मैं कह सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज में एंड अंडर 10,000 कोई भी इसके कैमरा को बीट नहीं कर पाएगा। इसका कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड ये आपको सेल में इजीली मिल जाएगा 9,250 के अराउंड में, मतलब 750 का डिस्काउंट है यहाँ पे 10,000 में से। सो ये फ़ोन भी एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा ओवरऑल गेमिंग के मामले में, कैमरा के मामले में एंड नॉर्मल यूज़ में भी सही परफॉर्म कर जाता है। तो ये 5 नंबर वाला है। अब गाइस, नंबर 4th वाले डिवाइस की बात करें तो ये है गाइस पोको का M5। इसको भी हमने टेस्ट किया, इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G99 एंड फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 90Hz के साथ में, फास्ट चार्जिंग 18W ये सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको 22.5W का देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे भी आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है उसके वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। एंड गाइस, कोई भी इसमें हीटिंग इशू वगैरह बिल्कुल ही नहीं है। एंड ओवरऑल ये मुझे फ़ोन अच्छा लगा था। 4GB रैम, 64GB इसका बेस वेरिएंट है। एंड इसकी प्राइस की बात कर ली जाए, सो गाइस यहाँ पे इसका प्राइस आपको 8,749 रुपये देखने को मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट SBI क्रेडिट कार्ड पे। एंड सेम ही फ़ोन आपको एक और देखने को मिल जाता है, रेडमी 11 प्राइम। ये भी गाइस रीब्रांडेड है, आपस में ही पोको वाले ने रीब्रांड किया था 11 प्राइम को। तो ये भी फ़ोन सेम है एंड ये भी सेम प्राइस पे मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं या पोको M5 को ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर च्वाइस। अब गाइस आता है नंबर 3। एंड इस नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा किसको, लावा ब्लेज 2। भाई रिसेंटली ये लॉन्च हुआ, इसमें जो स्पेक्स मिलते हैं भाई इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा है, अगर आप 4G डिवाइस लेना पसंद करेंगे तब। सो गाइस, इसमें आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर गाइस यूनिसॉक का देखने को मिल जाता है T616 आई थिंक। एंड ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी गाइस काफ़ी कमाल का रहने वाला है। 18W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, पंच होल देखने को मिल जाता है इस टाइम पे, चीन इसका थोड़ा चौड़ा है। एंड ये फ़ोन को हम टेस्ट कर रहे हैं, इसको बाय द वे अनबॉक्स भी कर दिए हैं, वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। फ्री फायर टेस्ट एंड अदर कंपैरिजन भी जल्द ही आएंगी। बाकी इस ये फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, इसको 9,000 में आप बाई कर सकते हैं एंड आफ्टर डिस्काउंट ये 8,000 के अराउंड में देखने को अभी मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में काफ़ी वैल्यू एड कर दे रहा है एंड डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप इसको बाई कर सकते हैं। अब दोस्त, यहाँ पर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आता है लावा ब्लेज 5G। इसमें आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है एंड 5G भी है। एंड इसमें जो आपको बैक ग्लास देखने को मिल जाता है उसके वजह से काफ़ी प्रीमियम फील होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको लावा ब्लेज 2 भी सजेस्ट किया, उसका भाई जो फील है ना, प्रीमियमनेस है ना, वो भाई बहुत ही कमाल का है। हाथ में होल्ड करने पर काफ़ी स्मूथ एंड ऐसा फील होता है कि हाँ, महंगा फ़ोन हमने पकड़ा हुआ है। सो गाइस, ये भी एक 5G फ़ोन है, इसको भी आप ज़रूर से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको HD प्लस वैसे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक 5G फ़ोन चाहिए तो ले सकते हैं। एंड ये भी आपको 9,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है 4GB रैम, 64GB के साथ में। तो ये भी एक आपका च्वाइस हो सकता है अगर 5G चाहिए तो। सो गाइस, अब नंबर 1 की बात किया जाए सो वो है इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G। ये डिवाइस गाइस आपको इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो इम्पॉसिबल सा है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो है डायमेंसिटी का 810 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस ये आपको बहुत ही मस्त प्रोवाइड करेगा। वैसे BGMI में भी ये 40 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप GeForce 2 वगैरह यूज़ कर 60 FPS पे भी प्ले करेंगे तो काफ़ी आपको स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड कर देगा। एंड फ्री फायर तो भाई मक्खन
नहीं चलेगा, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। 4GB रैम 64GB वाला बेस वेरियंट है इसका, एंड ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 11,500 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको ये 10,000 में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइस आपको फुल HD प्लस 90Hz वगैरह देखने को मिल जाता है। आई थिंक 90Hz इसमें नहीं है, 60Hz ही है, लेकिन गाइस ओवरऑल अगर आपको 5G फोन चाहिए तो ये ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही आपको कमाल का देखने को मिल जाता है, एंड बाकी सारे स्पेक्स आपको एवरेज सा ही देखने को मिलेंगे अगर अभी आप 5G फोन लेने जाएंगे तो। तो ये थे गाइस कुछ कमाल के 5 फोन्स, एंड मैं रिकमेंड करूंगा इनमें अगर आप 4G डिवाइस लेना चाहें तो लावा ब्लेज 2 सबसे बेस्ट रहेगा, एंड 5G लेना चाहें तो इन्फिनिक्स हॉट 20 5G ले सकते हैं, एंड और कम में लेना चाहें मतलब 8,500 का अप्रॉक्स में तो पोको M5 या रेडमी 11 प्राइम भी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें मतलब जो है इनमें स्पेसिफिकेशन वो आपको निराश नहीं करेंगी। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।